फिर दुआ की गहराई को मज़ीद खोलते हुए आप एक जगह फरमाते हैं, उसूल फ़ज़ल का अक्रब तरीक दुआ है और दुआ कामिल के लवाजमात ये हैं कि इसमें रिक्कत हो, इस्तराब हो, गुजारिश हो। जो दुआ आजी, इस्तराब और शिकस्ता दिली से भरी हुई हो वो खुदा ताला के फ़ज़ल को खींच लाती है। इंतहाई आजी से रिक्कत पैदा हो, रो रो के इंसान दुआ करे और कबूल होकर असल मकसद तक पहुँचाती है। मगर मुश्किल ये है कि ये भी खुदा ताला के फ़ज़ल के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए भी, इस हालत को पैदा करने के लिए भी अल्लाह का फ़ज़ल मांगना पड़ेगा। और फिर इसका इलाज यही है कि दुआ करता रहे, खा कैसी ही बेदिली और बेजौकी हो जाए, लेकिन ये सैर ना हो, तकल्लुफ़ और तसन्नो करता ही रहे। असली रुकी की दुआ के वास्ते भी दुआ ही की ज़रूरत है। मुसलसल लगा रहे, अल्लाह ताला से पीछा ना छोड़े अल्लाह ताला का, कि जब तक वो हालत पैदा नहीं होगी मैंने नहीं उठना, तब ये हालत पैदा हो जाएगी और फिर उसके फजल नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं।